हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर्स गुरु में। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एक जो आइकन दिख रहा होगा वहाँ पर क्लिक करें और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। ओके, उसके बाद अपन ने अभी तक अपने 5 लेक्चर हो चुके हैं और अपना जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो भी मैंने साथ में कवर कर दिया था। अब उसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। सो इस लेक्चर में अपन उसको पूरा ही ख़त्म कर देंगे फर्स्ट चैप्टर को। फिर कल से अपन न्यू वाला जो चैप्टर है अपना लीनियर मेजरमेंट उसको शुरू करेंगे और उसके भी यही रहेगा कुछ थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले पूरे सर्वे में। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अपना एक क्वेश्चन है जो ईएस 2016 में आ रखा है, आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन है कि अ सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिशिंग टोपो शीट्स यूजिंग अ स्केल। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है जो पब्लिश करती है एक टोपो शीट, ठीक है। टोपो शीट्स वो होती है जहाँ पे कोई सर्वे वर्क्स का जो काम करते हैं वो वाली, ठीक है। तो उसके लिए जो स्केल सर्वे ऑफ इंडिया है वो उसने कौन सा यूज़ किया था, तो उसका आंसर है ये टोपोग्राफिकल शीट है, ठीक है। इसीलिए 1:50,000 अपन जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए कितना यूज़ करते हैं इंडियन सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। ये कहाँ पर है ये भी मैंने आपको बताया था, इसका एक क्वेश्चन भी शायद किया था। ये अपना यूके में उत्तराखंड में है जो इंडिया में नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन जियोडेटिक सर्वेइंग अपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ एंगल्स डिग्री के अंदर ऑफ अ स्पेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। ये वाला चीज़ शायद मैंने आपको नहीं बताई थी इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो जब अपन ने ये बात जियोडेटिक सर्वेइंग में ये चीज़ बताई थी कि जब इसको ऐसे स्पेरिकल यहाँ के जो तीनों एंगल ऐसे इसको ये वाला जब अर्थ कर्वेचर अपन कंसीडर करते हैं तब, तो जो इसके तीनों एंगल है ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये तीनों एंगल तीनों का जो एडिशन होगा वो आपका 180 डिग्री से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा ही 180 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। और लेस देन होना चाहिए किससे, लेस देन होना चाहिए 540 से, ठीक है। 540 डिग्री से आपका ये कम होना चाहिए जब आपका हेक्सागोनल शेप हो। कैसा हो, जब आप 5 एंगल मेजर कर रहे हो हेक्सागोनल शेप हो तो आपका 540 से एंगल कम होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन। जो भी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आ ही रखें, ISSC में आओ, IAS में आओ, चाहे अलग अदर स्टेट्स JEE में आओ, लेकिन मैं जो भी जितने भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ सारे क्वालिटी क्वेश्चन हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल, तो यहाँ पे मैंने इसका भी एक क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है। लार्जेस्ट स्केल मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो अपन चीज़ को पता है कि 100 बड़ा होता है या 200, तो ये अपन को मैंने तब भी एक एग्जांपल देके बताया था और अभी बता रहा हूँ कि 100 बड़ा होता है या 200, तो अपन सब जानते हैं 200। लेकिन जब यही चीज़ 1/1 में आ जाती है तो वो जो बड़ी चीज़ है वो सबसे छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको यही देखना है जो लार्जेस्ट स्केल पूछा है, ठीक है। तो जो बड़ा होगा नीचे जो सबसे बड़ा होगा वो पूरी स्केल छोटी हो जाएगी, तो ये सबसे छोटी स्केल हो गई और ये वाली सबसे बड़ी, तो इसका आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट पूछता तो 1:5000 आंसर आता। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टेड एरिया फ्रॉम अ मैप ऑफ शंक फैक्टर एफ। करेक्टेड एरिया पूछा है, क्या पूछा है? एरिया। मैंने आपको शायद 3 या 4 फॉर्मूले लिखवाए थे इसके लिए, जब मैंने आपको शंक फैक्टर पढ़ाया था। शंक फैक्टर बोल दो, SF बोल दो, या शंक स्केल बोल दो, एक ही बात है। तब मैंने एक क्वेश्चन एक फार्मूला आपको लिखवाया था कि जब अपन करेक्ट लेंथ निकालते हैं, ठीक है, या एरिया का भी लिखाया था, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना था, मैंने बोला था। तो आप जब करेक्ट लेंथ निकालते हो, ठीक है, जब आप करेक्ट लेंथ निकालते हैं तो उसके लिए जी ये फार्मूला था, मेजर्ड लेंथ मेजर्ड लेंथ अपॉन SF सिंकेज फैक्टर। ओके, ये फार्मूला था करेक्ट लेंथ के लिए, इसके लिए करेक्ट लेंथ के लिए, करेक्ट लेंथ के लिए अपने पास ये फार्मूला था। और जब मैंने एरिया आया था, एरिया का उसके बाद ही एक फार्मूला लिखा था। एरिया आता है जब भी एक लेंथ ऐड होती है तो अपन यहाँ पे स्क्वायर या उसका स्क्वायर बढ़ा देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई SF से बढ़ जाता है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से अपन आंसर देख लेंगे। एरिया पूछा है तो, और पूछा क्या है, करेक्टेड एरिया। करेक्टेड एरिया यहाँ पे आ जाएगा, करेक्टेड एरिया तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SF स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे F लिखा है, सिंकेज फैक्टर F यहाँ पे डिनोट कर रखा है, तो F कर लेंगे, F कंसिडर करेंगे तो अपना देख लेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ F। तो ये ऑप्शन नंबर 4th में गिवन है, सो ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल स्केल इज यूज टू रीड। ये क्वेश्चन मैंने अब आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ रखा है, तो डायगोनल स्केल होती है, ठीक है। RRB मुंबई में एक क्वेश्चन पूछा गया था जब RRB का एग्ज़ाम हुआ था, तो अपन को पता है डायगोनल स्केल 3 डायमेंशन को मेज़र करता है, और 2 का भी मैंने आपको बताया था, 2 डायमेंशन के लिए अपना प्लेन स्केल आता है। ओके, तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए, वापस आपका रिवीजन हो गया ये चीज़। अब एक और क्वेश्चन है जो कि यूके जेई मतलब उत्तराखंड जेई 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ मैंने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो अपना जो लेक्चर ये है, ये जो स्पेरिकल ना हो के यहाँ से थोड़ा सा चपटा भाग होता है, ऑबलेट स्पर्ड होता है, यहाँ पोल पे चपटा होता है। ओके, तो अपन को पता है ऑबलेट स्पेरॉइड होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है, एलिप्स होता नहीं है, स्पेरॉइड है नहीं, पैरोलेट स्पेरॉइड भी नहीं है, ऑबलेट स्पेरॉइड है। ओके, पैरोटेड फूला हुआ नहीं होता, चपटा भाग होता है, ठीक है, तो ऑबलेट स्पेरॉइड। तो फ्रेंड्स, मैंने इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, और ये चैप्टर अपना यहीं पर ख़त्म होता है। कल से अपन नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नए चैप्टर के साथ, वो चैप्टर होगा लीनियर मेजरमेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पोर्शन छूट गया है या मैंने ऐसा कुछ छोड़ दिया है, मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारा ही कवर कर लिया फर्स्ट चैप्टर के लिए, और इम्पोर्टेंट जो ये 18 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और आपको और लगता है कि और कोई सा भी अच्छा क्वेश्चन है तो आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। मुझे लगता है कि जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अब यहीं विदा लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए पूरा सर्वेइंग और बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट धीरे धीरे सारे अपलोड होने वाले हैं इसी चैनल पर, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो मैं अरविंद अभी अब आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।